हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेन करना, बीजी में क्या इसका यूज है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस फीचर्स का, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जानते हैं। तो सपोज मान लीजिए, जो मेरा व्यापार है, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं बीजी पे, और ऐसे प्रोडक्ट पे मैं डील कर रहा हूं, ऐसे गुड्स पे मैं डील कर रहा हूं जिसमें उस गुड्स के नेम के साथ, उस गुड्स के नेम के साथ उसका कुछ और भी फीचर्स देने हो। जैसे सपोज मान लीजिए, हम क्या किए, मेरा कपड़े का दुकान है, ठीक है, कपड़े का व्यापारी हूं। तो वहां पे देखते हो आप लोग कि सपोज मान लो, जो शर्ट है जो हम लोग खरीदते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें साइज मेंशन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है, बोलो। साइज बहुत सारे आते हैं, पीके एम, मीडियम आता है ना, पीके एल, एक्सएल, ऐसे साइज आते हैं, ठीक है। तो उसमें शर्ट में साइज मेंशन करने होते हैं, उसके बाद से उसका हमको कलर मेंशन करना होता है कि कौन सा कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, कैसा है, वह मेंशन करने होते हैं, ठीक है। ऐसा कंडीशन कब आता है, कपड़ों में ज्यादा आता है। फिर से अगर मान लीजिए चले गए आप फुटवियर पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पूछा जाता है कौन सा स्टाइल है, ठीक है, साइज। किसी को मान लो 5 नंबर होता है, किसी को 7 होता है, किसी को 8 होता है, तो वहां पे क्या करना होता है, साइज देना होता है। वहां भी कलर चूज करते हैं लोग कि ब्लैक कलर नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए, व्हाइट नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं कि जहां पे उसके साथ उसका स्टाइल देना हो, उसका साइज देना हो, उसका कलर देना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर वाइज, ठीक है, स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब तक अगर बीजी में इसको इनेबल नहीं करेंगे, तब तक हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो वही मैं आपको स्टेप लिखवाया हूँ कि इसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और कितना पैरामीटराइज हम लोग दे सकते हैं और कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो मैं 2 एग्जांपल के साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। एक तो इसमें दिया है, ठीक है, एक मैं वैसे बता दूंगा उस नोट्स के हिसाब से, उस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, एक मैं वैसे ही बताऊंगा जिसे आपको पता चल जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन करने के लिए इसका प्रयोग हम बार बार करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा, खुद आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए स्पीचर्स का इनेबल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे करेंगे जहां पे साइज वाइज मेंशन करने हो, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा कपड़े की दुकान पे सबसे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जूते चप्पल की दुकान पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे सर जी हम लोग कपड़े की दुकान पे अकाउंटिंग करेंगे क्या, अरे यार छोटे व्यापारी भी होते हैं इसके, बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, तो वहां भी आप लोग काम कर सकते हो। तो इसके लिए बीजी बहुत सोच समझ के बनाया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं क्या इसके लिए स्टेप है। तो देखिए, सोशल में फीचर्स इनेबल करेंगे तो मैं इसके लिए लिखवाया हूँ, ठीक है, बताया हूँ, ठीक है। और देखिए, इसके बारे में बताया भी जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि बीजी में इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे इनवाइस की एंट्री के लिए किया जाता है जिसमें आइटम नेम के साथ हमें उसके कुछ फीचर्स जैसे साइज, कलर, मॉडल और डिजाइन की एंट्री करनी हो, ठीक है। फिर से नीचे बताया जा रहा है कि पैरामीटराइज फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में, और शॉर्टकट की आपको पता है, फीचर्स ऑप्शन में आना है, उसके बाद इन्वेंटरी, वहीं पे ऑप्शन आएगा पैरामीटराइज डिटेल्स, इसको क्या करना है आपको, यस, हाँ, उसका 3 फीचर्स आप लोग दे सकते हो। तो यही पे देखो लिखा गया कि स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर, क्या दिया हूं मैंने, 3, मतलब जो आप आइटम क्रिएट कर रहे हो उसकी 3 फीचर्स बता सकते हो। जैसे मान लो साइज पहला हो गया, कलर दूसरा हो गया, ठीक है, 2 दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मॉडल स्टाइल बताना तो 3 हो गया, मतलब 3 से ज्यादा नहीं दिया सकता, तो यही मैं लिखवाया हूँ, कितना, 3, क्लियर है। उसके बाद से फिर से यहाँ पे क्लिक ऑन फिगर पे क्लिक करेंगे तो पैरामीटर 1 में हम दे देंगे साइज, पैरामीटर 2 में हमने दे दिया स्टाइल डिजाइन, और पैरामीटर 3 में क्या दे दिया है, कलर। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, सेव करेंगे। अब क्या क्या करना है नेक्स्ट, उसके बाद से
आइटम क्रिएट करते समय पैरामीटर डिटेल्स को यस करना होगा, मतलब इतना फीचर्स इनेबल करने के बाद कौन फोन चला रहा है जी? ये पढ़ा रहे थे कल, यही बताना है, ध्यान देना, इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक करके ध्यान से सुनना समझना, ठीक है? एक मैं समझा दूंगा खुद, आपको आइडियाज लग जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे करना पड़ेगा, और मैं बिना क्वेश्चन का एक समझाऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले इतना तो आपको समझ आ रहा है कि यह टैक्स इनवाइस क्यों लिखा गया है, बताइए यहाँ पे ऊपर इस बिल में टैक्स इनवाइस क्यों लिखा गया है? कितने लोगों को पता है, हाथ उठाए जिनको पता है। तो या देखो, टैक्स इनवाइस जिसे पता चल रहा है कि सर ऐसा यह बिल है, आरके ट्रेडर जो हमको बिल इशू किए हैं इसमें टैक्स चार्ज हुआ है, कितना हुआ नीचे दिखेगा, ये तो इनवाइस नंबर, ये सब पता है, इसको डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनवाइस नंबर क्या है? 2 की डेट का इनवाइस है, यहाँ पे डेट दिया है, क्लियर है आप लोग को? उसके बाद से यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बताया जा रहा है, उसको नीचे आते हैं और यहाँ पे बिल टू शिफ्ट टू में दो ही है, दोनों है, मतलब क्या है, श्री राम खरीद रहे हैं और इनके पास भी जा रहा है, मतलब दोनों में यही नाम लिखा रहेगा ना, क्योंकि यही खरीद रहे यही पार है, तो ये फीचर्स इनेबल किए तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ऐसा नहीं इनेबल किए होते तो नहीं आता, एक ही आता बस। अब नीचे आते हैं, अब क्या खरीद रहे हैं समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हमने क्या खरीद रहे हैं, बाटा मेंस फार्मर स्लिप ऑन सोच, क्लियर है? अब देखो यही पे नीचे दिया है 5, जो 5 दिया है ना ये साइज है, क्या है जी, ये साइज है, और यहाँ पे दिया है कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट जो हमारा जो है वो क्या एक प्रकार का ये स्टाइल है, क्या है जी, स्टाइल है, और जो लास्ट में दिया 5 ये कितना नंबर हमने लिया है, ठीक है, वो दिया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो फिर से बताया जा रहा है 5, और यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदास, इसका नाम ही है बिंदास, स्टाइल का नाम। उसके बाद से क्या है, हाँ 5। अब देखो इसका HSN कोड दिया है, कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 10। लेकिन देखो यहाँ पे अभी तक पीसेस पड़े होंगे ना, यानी यहाँ पे लिखा पेयर्स, पेयर्स मतलब क्या होता, जोड़े, मतलब हम लोग खरीदेंगे तो अब ये सिंगल एक नहीं खरीदेंगे, एक पीस, ठीक है, एक पीस दूसरे जगह खरीद लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पेयर्स मतलब जोड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पेयर्स इसका यूनिट दिया गया है, ठीक है, मेजर ऑफ यूनिट, इसको किसमें मापा जाता है, पेयर्स में मापा जाता है, इसको पीसेस में नहीं मापते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्राइस क्या है जी, उसके बाद टोटल अमाउंट आया है, फिर से नीचे आते हैं, यहाँ पे GST चार्ज हुआ है, और टोटल इनवाइस कितना बना, 11,800। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो चलिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है, तब बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा और आसानी तरीके से बिना किसी से पूछे कर ले जाओगे। हाँ ठीक है, इतना याद है आपको। कल शिवरात्रि है, अरे यार पढ़ पढ़ लो, बताएंगे हमें चिंता, अरे हमें चिंता होना चाहिए, ड्यूटी करते हैं दिन भर, ठीक है, आराम मिलता है, तुम लोग घर पढ़ के चले जाते हो, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट वाला है ना जी, चलो प्लस पॉइंट है, तुम लोग को बीजी का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमको फीचर्स इनेबल करना है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, फीचर्स ऑप्शन पे आएंगे, और उसके बाद से फिर से इन्वेंटरी में आएंगे, क्लियर है? चलिए यहाँ पे इन्वेंटरी में आ गए, अब इन्वेंटरी में आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है कि पैरामीटराइज डिटेल, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते देखो यहाँ पे पूछा जाता है स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर, तो मैंने क्या लिखवाया है, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 3, यहाँ पे लिखा भी है देखो साफ साफ, ठीक है ना, तो यहाँ पे करेंगे क्या 3, और 3 करने के बाद से जैसे यहाँ पे कन्फिगर करेंगे तो ऐसा हमारे सामने पापा विंडो ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आपको,
नंबरिंग कम कर सकते हो आप लोग, तो उसमें कितना दिया है जी, दो ही दिया है ना, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें कितना कर देते हैं प्रेजेंट टाइम में, दो कर देते हैं, दो दिया तो दो ही रहने दो, ठीक है उस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और क्या कर देंगे यहाँ पे, टू या थ्री कर देते हैं, आगे ऑप्शनल है, उसको ना सेलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, चलो थ्री रहने देते हैं, कर देते हैं कन्फिगर। और यहाँ पे नीचे आते हैं और पैरामीटर वन क्या दिया है जी, पैरामीटर वन, तो यहाँ पे हम वन में दे देते हैं साइज, क्या देते हैं साइज। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एक ओपन और एक दिया है प्री डिफाइन, इसका मतलब क्या है, अगर ओपन पे रखते हो तो जब आप खरीदोगे उस समय आप मेंशन करना पड़ेगा कि क्या साइज है, अगर प्री डिफाइन का इस्तेमाल करते हो तो पहले प्री डिफाइन कर सकते हो, मतलब हमारे यहाँ जो सूज है वो 5 नंबर का है, 7 नंबर का है, 8 नंबर का है, मतलब जो भी है पहले से मुझे पता है कि क्या मेरे यहाँ कौन कौन से आते हैं कस्टमर और बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज हो जाता है लोगों को, वही तो रखूंगा मैं, ठीक है। तो दुकानदार बहुत चलाक होते हैं, देख के पता कर लेगा हाँ कौन सा साइज आपको होगा, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि एक आप बेचते समय खरीदते समय मेंशन करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या, तो एक खरीदते समय आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना होगा, और एक तरीका प्री डिफाइन करना होगा। तो सबसे बेटर हम पहले ही नंबरिंग दे दे कि वहां पे बस ऑप्शन आ जाएगा और सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब यू कह लो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए हम कर देते हैं प्री डिफाइन पे क्लिक। अब जैसे प्री डिफाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा एड वैल्यू, तो क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू को एड करेंगे, अब बस नंबर देते जाते हैं 5, ओके, फिर से फिर ऐड करेंगे, दे दो 6, कुछ नहीं करना है, आलिया नेम कोई मतलब नहीं, अब इसका क्या नाम दे, फिर से आलिया नेम सुनो ना क्या मतलब होता है, क्या उपनाम, 6 दिया ना, उसके बाद चलो मैं ज्यादा नहीं 8-9 तक देता हूं, ऐड करते जाएंगे जितना देना है बस, ओके लो, ठीक है। रामायण खत्म हो गया, सीता कौन है पता नहीं चला, चप्पल का नंबर है, ठीक है। हाँ तो क्या मतलब ये नंबरिंग दिया जा रहा है जी, उसके बाद से यहाँ पे ऐड किया, उसका नीचे आएंगे उसके फिर से आ जाएंगे यहाँ पे पैरामीटर 2, इसका भी नाम देना होगा, चलिए हमने नाम दे दिया क्या, तो यहाँ पे स्टाइल दिया, क्या दिया स्टाइल। अब स्टाइल में भी देखो ऑप्शन दिया है, ठीक है, प्री डिफाइन भी कर सकते हो, तो मैं यहां से प्री डिफाइन करके बना सकता हूँ, ठीक है, या तो वहां पे बना सकता हूँ, अब देखना पड़ेगा, मान लो जो बेच रहे खरीद रहे हैं कौन सा स्टाइल है, तो आपके ऊपर है, चलो हम प्री डिफाइन भी कर सकते हैं, जो 2 दिया उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या दिया है बिंदास, खूब नाम रखते हैं सब, अच्छा बिंदास, चलिए एक और क्या था, हाँ कंफर्ट लिखा है इस पे ना, कंफर्ट आता है ना, हो गया दो, उसके बाद से पैरामीटर 3 में कुछ नहीं देना, लेकिन नाम तो दे दे रहे हैं आप, क्या दे दे यहाँ पे कलर, उसमें कलर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम पहले ऐड कर दे रहे हैं, क्या करें इसमें भी प्री डिफाइन ऐड, और बस हमने ज्यादा नहीं देता हूं ब्लैक और नहीं आता है क्या, हाँ बहुत आता है, ठीक है ओके कर देंगे, 2 ले लिया हमने, ले लिया। उसके बाद से देखो और भी सेटिंग है, ठीक है, मतलब यह स्टॉक मेंटेन करते समय सेल प्राइस मेंटेन करना है कि नहीं, एमआरपी मेंटेन करना है कि नहीं, तो आप लोग पढ़े नहीं हो एमआरपी, अभी पढ़े हो नहीं, पढ़े हो तो इतना इस समय बताऊंगा तो आपको समय नहीं आएगा, बस इतना करने में क्या करना आप ओके कर देना और फिर से सेव कर देना, क्लियर है, यह पहला स्टेप हो गया। अब चलिए फिर से एस्केप से बैक आएंगे, अब आएंगे इस बार मास्टर में, क्या आएंगे जी मास्टर में, और मास्टर में आने के बाद से हमको आइटम क्रिएट करने हो, ठीक है, तो आइटम क्रिएट करने लिए कहा जाएंगे बताइए, आइटम में ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप में आ जाता हूं मैं यहाँ पे, ग्रुप में पहले ग्रुप ही ऐड करके दिखा देता हूं, ठीक है, तो चलो किसका बना दूं, ये
फुट भी है, ग्रुप क्या है यहाँ पे, इसका कोई ग्रुप नहीं है, बाई डिफॉल्ट यही मेन है प्राइमरी। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जाता है, दो ऑप्शन दिया है, यू डिफॉल्ट कॉन्फिगर, यू सेपरेट, यहाँ पे सेपरेट कॉन्फिगर, तो यू डिफॉल्ट कॉन्फिगर करेंगे जो हमने किया है पहले से, नंबरिंग दिया ना थ्री। उसके बाद से एचएसएन कोड क्या दिया है, यस साल भर के बाद पढ़ा रहे हैं यार हम, हाँ लॉकडाउन में पढ़ाए थे, बीजी पे टैली बहुत दिन से पढ़ाते हैं, बीजी हमें जल्दी मिल भी नहीं करता है, ठीक है खाली नहीं रहते पढ़ाया। 04 इंटर कैटेगरी देना है, मतलब यहाँ पे टैक्स कितना है तो चेक कर लेते हैं इस बिल में, 18% है ना, आ जाते हैं जीएसटी 18%, देखना कहीं गलती करें बताना, सेव करेंगे बैक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से इतना हमने करके उसके बाद से आ जाएंगे आइटम में, क्या आ जाएंगे जी आइटम, क्लियर है ना। अब आइटम में आने के बाद से फिर से देखो ऑप्शन दिया है ऐड आइटम, क्लिक करते हैं और आइटम क्रिएट कर लेते हैं, तो यही आइटम क्रिएट करते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में इस बिल में दिया है, पेस्ट करते हैं। उसके बाद से ग्रुप ले लेंगे यहाँ पे, क्या तुम्हारी मर्जी, ठीक है लास्ट में सूर्य लिखा वो भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से बनाइएगा। अब अगर मेन यूनिट क्या है, ठीक है तो ध्यान देना इसका यूनिट हमको चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे पीसेस तो आ जाएगा, ठीक है केजी आ जाएगा लेकिन पेयर्स बना नहीं है, कुछ हमको बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए यहाँ पे अब थ्री बटन दबाएंगे और एफ थ्री बटन दबाने के बाद से हमको टाइप करना होगा पेयर्स, और यहाँ पे अलियाज नेम आ ही गया, ठीक है अब ध्यान देना सेम वही है। उसके बाद से यहाँ पे टाइप करना होगा, तो जैसे पी दबाएंगे तो देखो पैक्स आ गया, फिर से यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो पेयर्स पी आर एस कोड है इसका, पी आर एस टाइप करोगे तो आ जाएगा, इंटर दबाएंगे अब फिर से पूछा जा रहा है कि ईवी बिल का कोड कोई नहीं है, यही सेम है। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इससे बैग आ गया क्या इसमें, ठीक है इसको हम अल्टर करते हैं, अल्टर के लिए अल्ट एम होता है ना, ठीक है इसको हमने वैसे नॉर्मल दे दिया, कोई फीचर्स लग रहा सर पहले से इनेबल किया, सेव करते हैं। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, और इसके बाद देखो लास्ट में आओगे ना यही पे एक ऑप्शन आएगा पैरामीटराइज डिटेल, मतलब जब तक यस नहीं रहेगा यह तब तक आप इस आइटम में काम नहीं कर सकते, किससे रिलेटेड पैरामीटर से रिलेटेड, तो जिसमें नो होगा वो जाके क्या कर लेगा यहाँ से यस कर लेगा, तो मैक्सिमम लोगों का नो होगा तो यस कर लेंगे, और यस होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन आके एक बार देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है आइटम बनाते समय आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस आइटम पे लगाओगे उसी पे काम करेगा, नहीं लगाओगे काम नहीं करेगा, ऑप्शन पूछे ही नहीं जाएंगे। क्या कर देता हूं मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, कर दिया। अब आएंगे बैग, और बैक आने के बाद से अब आएंगे ट्रांजेक्शन में, अब ट्रांजेक्शन में आने के बाद से हमको परचेज का एंट्री करना है, ठीक है परचेज पे आते हैं और ऐड करते हैं, सीरीज मेन ही में रहने देते हैं, डेट दिया है यहाँ पे, डेट क्या दिया है 28 अप्रैल, ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करते देखते हैं वो डेट तुरंत सेलेक्ट कर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, फाइनेंशियल सर सही से देखिए नहीं क्या 28 ना जी, उन्नीस पे क्यों काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली चेंज नहीं किए थे क्या सर, चलो इस पे हम बता दे रहे हैं कल चेंज करेंगे। जीएसटी कितना है, वाउचर नंबरिंग, ठीक है यहाँ पे आ रहा बिल नंबर हम लोग अपने हिसाब से दे देंगे, कितना लोकल, लोकल ही है ना, ये सबसे बड़ी कमी किया है, जब तो पूरा मिटाओ ना तब तो आता नहीं, लोकल 18%, पार्टी नेम तो कौन है आरके ट्रेडर्स, इनका बनाना पड़ेगा हमको, चलिए दबाते हैं अब थ्री बटन और यहां पे बनाते हैं आरके ट्रेडर्स ग्रुप, बताइए हमारे सप्लायर के कस्टमर हैं, अंडर ग्रुप संडे क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ है नहीं, एड्रेस जो है वो डाल देते हैं यहाँ पे,
चलिए उसके बाद से मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉपी कर लेते हैं, नीचे आए तो अच्छा रहे। अब कुछ डालना है और कंट्री स्टेट आ गया, रजिस्टर्ड है क्या कैसे करते हैं पे उससे मतलब नहीं, मुझे जीएसटी देखते हैं। ये जीएसटी नंबर है ना, इसको डाल देंगे और भी इनका डिटेल है, आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेगा, चेक नहीं कराना अभी, यहाँ पे आधार नंबर हो डाल देंगे, इसमें कुछ करना नहीं है अभी। उसके बाद मेंटेन बिल भाई यस रखना, क्योंकि आगे इसका आपको पेमेंट करना है, ठीक है, जरूरी है। जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, और डिटेल हो तो डाल दो यहाँ पे, कर देंगे यहाँ से सेव, क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे देखो हमने जो फीचर इनेबल किया था, तो ये फीचर देखो बार बार आ रहा है, बिलिंग शिपिंग डिटेल। तो बोला नहीं सर किसी को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है वही रहने दीजिए, ठीक है, तुमको कुछ करना नहीं और बस क्या कर देना हमको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने बाद से इनपुट गुड सर्विसेज रहता है, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम बताइए, क्या खरीद रहे हैं? बाटा। चलिए तो बी ए टी आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, तो देखो अपने आप इसका यूनिट क्या आ गया, पेयर्स। अब यहाँ पे आ जाएंगे क्वांटिटी, कितना पेयर्स खरीद रहे हैं? 10 पीस। पीस अलग है, पेयर्स अलग है, ध्यान देना, 20 पीस हो जाएगा, ठीक है। प्राइस, अब देखो जैसे कुछ यहाँ पे पॉइंट समझो, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ क्वांटिटी लिखा इंटर दबाया, अब जैसे पेयर से इंटर बटन दबा रहा हूँ तो देखो तुरंत यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सर इसका साइज क्या है, ठीक है, स्टाइल क्या है और कलर क्या है, यही इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो चलो हमने देख लिया कि इसका साइज क्या है, तो 5 नंबर जो भी है हम लोग टाइप कर देंगे, उसका स्टाइल क्या है, इसका स्पेस दबाएंगे, 2 हमने रखा है, ठीक है, बिंदास फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद से कलर, ठीक है, कलर तो दिया नहीं, मैंने मान लिया ब्लैक कलर है, ठीक है, इंटर दबाएंगे। उसके बाद यूनिट दिख ही रहा है, उसके बाद से क्या करना है हमको, ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद प्राइस पूछा जा रहा है, क्या है जी इसका प्राइस, ये फीचर इनेबल इसलिए आ रहा है, 1000, चलिए 1000 आया ना। अब यहाँ पे आने के बाद से क्या करना हमको, टैब बटन दबाना है और उसके पास से ये 4 बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। बोले जैसे टैब मैंने बटन दबाया और टेक्स्ट को अप्लाई करना, तो क्या बटन दबाना है, ये 4 बटन, करते हो कि नहीं करते हो आप? चलिए करना चाहिए, शॉर्टकट की याद होना चाहिए। तो टोटल बिल कितना आया, 11800, इसमें कितना दिया है, 11800, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ऐसे हम आसानी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी भी लोचा है, क्या ध्यान दीजिएगा, अब मैं सेव करूंगा और बिल नंबर क्या 2 है ना, चलिए टाइप कर दिया, ओके कर दिया, फिर से यहाँ पे ओके कर लिया, न्यू रेफरेंस ही रहेगा, ओके। देखो यह ट्रांसपोर्टर डिटेल सारा पूछा जा रहा है, अभी कुछ नहीं देना, ओके कर देते हैं, आ गया। अब देखो उस क्वेश्चन को हमको मान लो ओपन करना है और इसको प्रिंट करना है, या मैं देखना चाहता हूँ कैसे बिल पे प्रिंट हुआ है, तो कहां पे आएंगे, लिस्ट में आ गए, स्क्रीन पे आएंगे, आल नहीं मेन, किस डेट का, 28 तारीख का चाहिए, ओके ये है ना। उसके बाद हम आते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं, राम बी जी प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए होगा क्या। अच्छा इसमें तो ये बिल वाला ऐसे प्रिंट हो रहा है ना, इसमें दिक्कत है, चलो उसको अल्टर मोड में ओपन करके ये काम करते हैं, मॉडिफाई मेन डेट, यही वाउचर नंबर है, ओके करते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे प्रिंट परचेज इनवाइस। अब यहाँ पे क्लिक करने वाले स्टैंडर्ड लेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये तो डिटेल आ रहा है हमारा, दिख रहा ना यहाँ पे ये सब आ रहा है, अरे मेरा ऊपर आ रहा है, इनका अब क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, दिख रहा ना यहाँ पे। अब नीचे जब आओगे आप लोग ये सब आ रहा है कि हमने क्या खरीदा है, लेकिन देखो उसका स्टाइल नहीं दे रहा, जैसे इस बिल में दिया है, ठीक है, और नीचे देखो टैक्स भी बता रहा है कितना कितना परसेंट टैक्स है, और टोटल बिल भी मैच कर रहा है, बस यह नहीं आ रहा है। इसके लिए सर पढ़ाए होंगे आपको,
कि जब भी अगर मान लो कोई फीचर्स इनेबल डिसेबल करते हो और इनेबल करते हो बिल चढ़ा भी देते हो, अगर वो बिल में शो ना हो तो उसके लिए बिल को एडिटिंग करना पड़ता है कहां से। चलिए क्लिक करते हैं, एस्केप बटन दबाते हैं। चलो क्लोज करो यहां से, और कहां पे आएंगे, बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद से कहां पे आना है फिर से हमको, एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके बाद से कॉन्फ़िगरेशन पे, और देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, ठीक है आपको, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं, तो हमें लेना क्या स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में किसमें इनेबल करना है फीचर्स, परचेज वाउचर में, परचेज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके देखो यही पे ऑप्शन दिया है पैरामीटराइज नो है ना, यहां पर कर देंगे यस, कर दिया। उसके बाद से यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देंगे, सेव करो फिर से बैक आएंगे, बैक आने पे फिर से बैक कहां पे आएंगे, यह थोड़ा ड्रॉबैक हमको लगता है कि टैली में ऐसा होता है कि तुरंत बिल में जो नहीं आ रहा है तुरंत कॉन्फ़िगर करिए, तुरंत शो कराइए, इसमें दिक्कत होती है, पूरा बैक जाओ फिर से फीचर्स इनेबल करो फिर से इसको ओपन करो, ठीक है, इसको सुधार देते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर रहता है। चलिए परचेज पे आते हैं और मॉडिफाई पे आते हैं, मेन पे आते हैं, डेट तो आ ही गया, अब इसको दबाते हैं क्या, यहाँ पे प्रिंट पे आते हैं, परचेज इनवॉइस पे आते हैं, देख रहे हैं इस बार शो होगा, जूम करके दिखा दें, देखो बिंदास ब्लैक आ गया ना, तो ऐसे देखो अब तो उधर क्यों आप पढ़ाए हो, तो आप कहीं काम करो ऐसा भी बिल आपको मिल जाएगा, तो आप परेशान मत हो ना, सोचना मत कि सर जी क्या करना है, कैसे भी एंट्री बस पास हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका बिल नंबर आ जाना चाहिए, पैसा तो मैच करेगा लेकिन रिपोर्ट सही से नहीं दे पाओगे, आगे चल के दिक्कत होगी, क्लियर है। तो और भी क्या, तो आप लोग एक मैंने तरीका यह बताया, जूता खरीद के उन्हें दिखा दिया, चप्पल खरीद लेना, ठीक है, उसके बाद से दो चार दो शर्ट खरीद लेना, खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, ठीक है, शर्ट के भी साइज आते हैं, यम, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, एक्सेल का मतलब क्या, मतलब यम आता है उसका मतलब होता है मीडियम, एक्सेल का मतलब कहते हैं एक्सेल साइज दीजिए, उसका मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, एक और आता है एक्सएक्सएल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, तो मतलब जैसा रहता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या लेना हमको, ठीक है, एम लेना है, एल लेना है, एक्सएल लेना है, क्या लेना है, तो वो भी बना सकते हो नहीं बना सकते हो आप लोग अपने हिसाब से, क्लियर है ना। तो साइज में जो हमने अब मान लो चप्पल जूते हमने रखा साइज 5 7 8, फिर वहां पे साइज में क्या रखोगे, एम एल एक्सएल एक्सएल एल, आपकी मर्जी जो लेना है वो ले सकते, ठीक है, नहीं होगा तो मैं कल अभी इसका रिपोर्ट दिखाना बाकी है, कल मैं इसका एक एक दो चार और एग्जांपल बता दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए, क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।